फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फिर से हाजिर हूँ आपका होस्ट आसिफ रज़ी। मैं अभी क्याल वादी में आया हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो खजूर का पेड़ है, काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग है पेड़ मेरे पीछे। क्योंकि इस पेड़ से ना एक तना निकलता है, तने से फिर दो पेड़ और निकलते हैं, फिर दो से फिर चार होते हैं। जब आप देख रहे हैं पीछे, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको, चलिए क्लोज जाके आपको दिखाता हूँ इस पेड़ को। और मैं अभी फ़िलहाल वादी कियाल में हूँ। वादी कियाल जो है काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत सारे खजूर के दरख्त हैं और गार्डन है एक्चुअली, जिसको अरबी में हम मज़रा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको एक टूर देता हूँ इस वादी कियाल का। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मज़ा लीजिए वादी कियाल हरा भरा खजूर के पेड़ों के साथ। और आप मुझे इस आप मेरे इस साइड पीछे साइड देखेंगे तो मैं आपको कुछ पुराने ज़माने के घर भी दिखा रहा हूँ, जो कि मिट्टी और पत्थर से और खजूर के पेड़ के इस्तेमाल से बनाया गया है। क्योंकि ये लोग जो लोकल जो हमारे पास है तरीके से, वो ही का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूँगा इस इलाके का, होपफुली इस वीडियो को एंजॉय करें। देखिए दोस्तों, वादी कियाल काफ़ी हरा भरा और ख़ूबसूरत इलाका है। ये बिल्कुल हरियाली है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खजूर के पेड़ और दरख्त हैं इस इलाके में। देखें कितना हरा भरा लग रहा है। और दूर आपको पहाड़ भी दिखता होगा, माउंटेन रेंज। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तबुक रीजन का ये माउंटेन है, आप देखें दूर दिखा आपको शायद। तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है। आएँ घूमें, देखें इसको। तबुक से तकरीबन ये 180 किलोमीटर की दूरी पर है वादी कियाल, जो मैं अभी यहाँ पर आया हुआ, जो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। दोस्तों ये देखिए, खजूर के पेड़ पे फल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। और खजूर भी डिफरेंट कैटेगरीज की होती है यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं खजूर, ये बिल्कुल ही सुर्ख मरून कलर की है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ कि आपको दिखे। देखें ज़रा कितना प्यारा खजूर का पेड़ है ये। और ये देखें दोस्तों, खजूर जो है अब पकना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम जून के मंथ में आ गए हैं। तो कुछ कच्चा कुछ पक्का इस तरह से आप देख रहे होंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अलग अलग किस्म के खजूर जो है यहाँ पे हैं और उनके दरख्त हैं। तो आप शायद देखें अभी ये बिल्कुल पीला हरा हर तरह के रंगों में है। तो ये हार्वेस्ट करने के टाइम का इशारा देता है। दोस्तों ये रहा हमारा पेड़, छोटा सा साइज है, ये काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा है। और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है आपको, इसमें एक पेड़ में से देखिए कितने सारे पेड़ निकले। अरबी में इसे हम कहते हैं बिंत अल नखल, यानी ये एक तरह से फीमेल साइड की तरफ से खजूर का पेड़ है। और एक पेड़ में से चार चार पेड़ निकले हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी ख़ूबसूरत है। सामने हमारा साइन ड्यून्स है। तो ये रहा छोटा सा एक इसको कहते हैं बिंत अल नखल, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे एक तरह निकल रहा है और उसके ऊपर से तीन पेड़ अलग से निकल आए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पेड़, खूबसूरत काफ़ी लगता है ये, दूर से देखने में बड़ा मज़ा आता है इसको। और ये मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए ज़रा इसको, इंजॉय करें इसको। बड़ी अच्छी जगह है ये, उसायस है ये वादी कियाल। मुझे तो बड़ा प्यारा लगा ये जगह। जब ये अपने शबाब पे हो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। आपके
के सामने। तो दोस्तों, ये यहाँ के लोकल लोगों का छोटा सा एक विलेज हुआ करता था, जो कि जिसको आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे घर हैं छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए। आज ये हेरिटेज की कैटेगरी में इसको रखा गया है प्रिजर्व करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, घुमाता हूँ चारों तरफ थोड़ा। अच्छा है, अभी सुबह का टाइम है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। सामने यहीं पर ही एक जेटी है। तो ये रहा घर, मिट्टी का बना हुआ, बिल्कुल मिट्टी है इसके अंदर। और मिट्टी के इन्होंने छोटे छोटे ब्रिक्स बनाए हैं और उसी से ये घर को बनाया है। अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये एक छोटा सा घर है, गर्मी के दिन में काफ़ी ठंडा रहता है। और ये देखिए, इनका इस्तेमाल किया गया है खजूर के तने का और उनकी पत्तियों का छत को बनाने के लिए। तो ये अभी प्रिजर्व की कैटेगरी में है, तो अच्छा है काफ़ी। खूब घर दिखाता हूँ। तो ये एक छोटी सी बस्ती यहाँ पे है, लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये कियाल वैली है सऊदी अरब में, तबूक रीजन में, कियाल वैली, वादी कियाल। तो अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। सामने आप मेरे जो देख रहे हैं, सी भी दिखता होगा, समुंदर आपको, गल्फ़ ऑफ अकबा कहते हैं इसको, गल्फ़ ऑफ अकबा है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली इस कियाल इलाका जो फेमस है स्पेशली स्कूबा डाइविंग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे आप स्कूबा डाइविंग करेंगे और स्नॉर्कलिंग करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे कोरल्स हैं। तो काफ़ी प्रिजर्व एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर वो एक वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा घर, ये उससे कुछ बड़ा है, दो खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी घर हैं, ये देख लीजिए, ये इन्होंने मिट्टी से बनाया हुआ है बिल्कुल। और आगे की जो बाउंड्री है तो इसको पत्थर से बनाया हुआ है। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये काफ़ी अच्छी एंट्री यहाँ पे लग रही है मुझे। तो ये रहा इनका पत्थर का ये घर, बाउंड्री, और ये रहा इनका घर अंदर। यहाँ भी देखेंगे वही चीज़ों का इस्तेमाल किया है घर को बनाने के लिए। खूबसूरत सा गांव, बड़ा खूबसूरत है ये, वादी के बीच में, वैली के बीच में है वादी कियाल। तो बड़ा खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा जगह है। आप ये देख रहे हैं, यही सामने समुंदर है, गल्फ़ और अकबा। तो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने एक वॉल भी बनाया हुआ है, वेल, पानी प्रिजर्व करने के लिए मुझे लगता है, लेकिन फ़िलहाल अभी पानी नहीं, इसमें खाली है बिल्कुल। तो जैसा आप देख सकते हैं, छोटी बस्ती है। अच्छा है काफ़ी, हर तरह के डिज़ाइन है। चलिए देखिए, बरसात में बारिश भी होती है तो यहाँ इन्होंने ड्रेनेज के लिए छत के ऊपर एक टीन का प्लेट भी दिया हुआ है, ये आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेमोलिश की हालत में, कुछ टूटने वाला है, कुछ घर मिट्टी के हैं। काफ़ी हवादार लगता है, खिड़कियाँ काफ़ी दी हुई हैं इस घर में। तो यहाँ पे और कुछ घर इन्होंने पत्थर के बनाए हुए हैं, ये आप देखिए, ये रहा मिट्टी का, बिल्कुल मिट्टी के ब्रिक्स बना के इन्होंने घर बनाए हैं, और दूसरा ये बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है। तो रोशनदान भी है छोटी सा, हवा वगैरह जाने के लिए, रोशनी के लिए। वो तो मैं आपको शायद आगे से दिखाता हूँ इस घर को, इसकी एंट्री आगे से। तो अच्छा है ये काफ़ी। ये देखिए, इन्होंने यहाँ से पर्दा भी लगा रखा है, और बैठने के लिए इन्होंने इंतज़ाम भी किया हुआ है, वैसे सोने होने के लिए इस तरह से जो है। एक हेरिटेज है, इनकी पेंटिंग है बड़ी खूबसूरत वॉल पे। एक्चुअली ये अफ्रीकन टाइप पेंटिंग है, कुछ एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। रोशनदान भी खूबसूरत बनाया हुआ है। तो शायद लगता है कुछ लोग आगे यहाँ के रेस्ट करते होंगे, इसलिए इसको इस तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। सामने आप देख सकते हैं, सामान टांगने के लिए रस्सियाँ बांधी हुई हैं। तो अच्छा है काफ़ी, खूबसूरत है ये घर, हेरिटेज की कैटेगरी में है। तो ये रहा सऊदी का एक छोटा सा विलेज, तबूक रीजन में, तबूक रीजन में शर्मा है, शर्मा के पास में ही कियाल है, और हम अभी कियाल वैली में हैं। तो ये एक छोटा सा टूर था दोस्तों,
कियाल वैली याद रखेंगे। जब भी आपको आना हुआ तो ज़रूर आएंगे। अभी ये डेवलपिंग फेज़ में है ये पूरा सिटी, तो इन्जॉय करें, देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर, बाय।